बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखाऊंगी। ये जर्मन का केक है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, इसको बहुत पसंद किया जाता है। इसको फ्रेंच में फोहे नवाह भी गातो भी कहते हैं। इसके लिए आपको छः अदद अंडे चाहिए, एक कप मैदा, एक कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, दो छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और क्रीम के लिए आपको आधा लीटर क्रीम और 8 चम्मच छोटी चीनी के, और डेकोरेशन के लिए आपको ग्रेटेड चॉकलेट चाहिए। मैंने दो किस्म की ग्रेटेड चॉकलेट ली है, और आपको आइसिंग शुगर चाहिए तकरीबन 1 चम्मच, और साथ थोड़े से चेरीज भी चाहिए। सबसे पहले आप एक बाउल में अंडे तोड़ लें। अब इसको आप फेंट लें। अब आप साथ ही चीनी भी मिक्स कर दें और अच्छी तरह से बीट कर लें। आपने इस तरह से इसको बीट कर लेना। अब आप इसी अमेजे में मैदा, और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, ये आपने छान कर इसमें डालना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, कोई गुठली ना बने। अब आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। देखिए अमेजा हमारा तैयार हो गया। अब आप एक बेकिंग के लिए सांचा ले लें, कोई भी, उसके ऊपर आप मक्खन लगा लें इस तरह से, ताकि केक आपका चिपके नहीं। मैंने नीचे बेकिंग कागज भी लगाया हुआ है, इस तरह केक निकालने में आसानी होगी आपको। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा भी डाल दें, बिल्कुल हल्का सा, इससे आपका केक आसानी से बाहर निकल आएगा। अब ये अमेजा आप इसमें डाल दें। ओवन को आपने पहले से 10 मिनट के लिए गर्म कर लेना है, और इसको 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए आपने ओवन में रखना है। अब ये हमारा स्पंज तैयार हो गया।
अब हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा स्पंज ठंडा हो गया है, अब हम इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे। और जब आपने इसको डेकोरेट करना है तो आपने इसका उल्टा तरफ रखना है, ये तरफ। अब हम इसको काट लेंगे और इसको इसकी शक्ल में ले आएंगे। ये काट कर साइड पे कर देंगे और इसको दो हिस्सों में काट लेंगे। अब हमने इसको दो हिस्सों में काट लिया इस तरह से। इसके बाद हम क्रीम डालेंगे। इसमें चीनी भी डाल देंगे 8 चम्मच छोटी वाली, और इसको 3 मिनट के लिए हम फुल स्पीड पर बीट कर लेंगे। ये देखिए 3 मिनट के बाद क्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसे बंद करके डेकोरेट करेंगे केक पे। फिर आपने स्पंज को इस तरह रखकर, आपने जिस टिन में चेरी होते हैं उसमें सिरप भी होता है, पानी का सिरप, आप वो सिरप या माल्टे का जूस या कोई भी जूस आप हल्का सा इस स्पंज के ऊपर डाल दें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपका केक खराब हो जाएगा। इसके बाद आप क्रीम को किसी भी प्लास्टिक की थैली में डाल लें या आप किसी छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक की थैली में डालकर इसको लगाऊंगी। अब आप ये क्रीम इस स्पंज के ऊपर डाल दें इस तरह से। अब आप इस तरह से इस पे फैला लें। अब आप एक तह पर क्रीम लगाकर ऊपर चेरी थोड़ा थोड़ा डाल दें काट कर। अब दूसरी तह को भी आप ऊपर ऐसे बिछा दें। इसी तरह से आप फिर दोबारा क्रीम लगा दें ऊपर। इसको भी आप फ्लैट कर लें बिल्कुल। इसी तरह आप साइड्स पे भी लगा लें। अब आपने इसके साइड्स पर चॉकलेट लगानी है इस तरह से। अब आप इसके ऊपर भी ग्रेटेड चॉकलेट डाल दें।
अब आप इसके साथ डेकोरेट कर लें। अब आप साइड पे भी इस तरह से क्रीम लगा दें। अब आप इसके ऊपर एक एक चेरी रखते हैं। अब आपने आइसिंग शुगर एक छलनी में डालकर केक पर डालनी है। पहले आपने पहले से ऐसे ट्राई कर लेनी है, फिर आपने हल्की हल्की स्प्रिंकल करनी है। ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।